हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लश ब्लश। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये मेरे सारे वीडियोस से डिफरेंट वीडियो है। अभी तक मैं आपको बताती आ रही हूँ कि सफ़ेद बालों के लिए ये कर लो, ये लगा लो, ये वाला डाई अच्छा है, ये मेहंदी लगा लो, ये हिना लगा लो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या नहीं लगाओ। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक रिव्यू करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का, जो कि आपको मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, आगे देखिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बना हुआ बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का सबसे पहले। तो आइए जी, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में ना एक कहानी होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, मेरी सिस्टर इन लॉ, यू नो, शी इज़ 50+ एंड शी इज़ बीन यूजिंग बहुत सारे डिफरेंट वो डाई यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है और उनके बाल नेचुरली सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं और वो चाहती हैं कि उनके बाल वो कलर करें। तो कलर करते करते कई बार हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं और हम पैच टेस्ट करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी आप ये मत सोचिएगा कि मैं बुराई कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। इससे एक सीख मिलती है जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो आज फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ गार्नियर की इस हेयर डाई के बारे में। आप देख सकते हो, दिस इज़ द पाउच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर आप गार्नियर का कोई भी हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये जो कलर है, ये उन्होंने जब पहली बार लगाया तो उनको हल्के से जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे से, यहाँ पे अराउंड और बीच में कहीं कहीं पीछे थोड़े हो गए। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि उनको इस तरह से कुछ एलर्जी जैसा लग रहा है, बट शी वॉज नॉट श्योर, क्योंकि पहली बार में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, जो लोग कलर करते हैं उनको आप जानते होंगे, हर हफ्ते नए बाल आ जाते हैं और आपको हर 15 दिन के अंदर आप दोबारा कलर लगाते हो। तो ये बात हमारी ओवर हो गई। उसके बाद उन्होंने इस कलर को अगेन 15 दिन बाद यूज़ किया, बिकॉज शी वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि इससे ही रिएक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है। ये लगाने के बाद जब सेकंड टाइम उन्होंने लगाया है, उनका पूरा यहाँ से लेके इतना एरिया जैसे कि जल गया हो, इतना ज़्यादा उनको उसमें इचिंग, उसमें जलन, उसमें पेन, उसमें पस आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस हेयर कलर। और एक चीज़ और, वैसे तो ये बहुत सस्ता है, 37 रुपीज़ का है। ये है गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। ये मेरे को बहुत मुश्किल से मिला है यहाँ पे लॉकडाउन में, और मैं चाहती थी कि मैं इसको लेकर आऊँ। आप देखो, ये पैकेट बंद है, मैंने इसको खोलना नहीं है, इसके बाद मैंने इसको तो यूज़ नहीं करना और शायद मैं किसी को दूँ भी नहीं इसको। तो आई एम गोइंग टू जस्ट इसको फेंक दूंगी या जो भी करूंगी। फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस पूरे यू नो एपिसोड से हमको लेसन ये मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कलर जो भी लगाए उसको ये प्रॉब्लम हो, ठीक है। आज नहीं तो कल हो सकता है कि प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जब भी हेयर कलर यूज़ करते हो, प्लीज़ पैच टेस्ट कर लीजिए। भले ही आपने वो कलर पहले यूज़ किया है, तो भी जैसे अगर आपको शाम को हेयर कलर करना है तो आप थोड़ा सा लगा के देख लो, ठीक है, कान के पीछे लगा लो। अगर कोई बर्निंग, कोई इरिटेशन होता है, थोड़ी सी भी आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको लगा के, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। दिस वीडियो इज़ कमिंग राइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई एम रियली सैड फॉर माई ओन सिस्टर इन लॉ, जो कि जिनको इतनी दर्द सहनी पड़ रही है। अगर आपको कलर सूट नहीं करते हैं तो प्लीज़ वेजिटेबल डाई आता है जो ज़्यादा दिन स्टे नहीं करता है, लेकिन उससे कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। मुझे इसके इन्ग्रीडियंट्स के बारे में नहीं पता है कि उनको किस चीज़ से एलर्जी हुई, बट उनको बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ख़राब वाली एलर्जी हुई है। फ्रेंड्स, तो यही था मेरा आज का वीडियो, एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देती हूँ एक ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट एनी प्रोडक्ट्स विच मी एंड माय फैमिली और माय फ्रेंड्स आर यूजिंग,
ऐसा नहीं है कि यू नो मेरे पास कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है ये कि मेरे को अच्छा ही बोलना है उनके बारे में, तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो भी मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर मिलूंगी वेरी सून। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगता है तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज द वे यू कैन एजुकेट एवरीवन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, फिर मिलूंगी वेरी सून विद समथिंग न्यू। तो चलती हूँ, बाय बाय।